देखिए सब आंगन वगैरह सब क्लीन कर लिया है मैंने, सब जो बहुत रात को लग रहा था हवा बारिश आएगा हवा चल रहा था बट बारिश तो आया नहीं, और ये सब काम मेरा सासू माँ करती है बट आज नहीं है थोड़ा तो मेरा ननद का घर घूमने गई है इसीलिए मुझे करना पड़ा। तो देखिए इतना सारा काम सुबह का जो झाड़ू वाड़ू सब मेरा सासू माँ, हर दिन मेरा सासू माँ यही सब काम सब कर देती हैं, और आज नहीं है तो आज मुझे पता चला कि मतलब कितना लेट होता है मेरा सुबह उठने, तो मतलब कितना हेल्प करती हैं वो मुझे। तो देखिए आज मुझे उनका कमी लग रहा है कि वो होने से ही अच्छा होता है। तो ननद के घर दो दिन के लिए, दो दिन में ही देखिए मुझे उनकी याद भी आ गई, दो दिन भी मैं वो काम करने में मेरा हालत ख़राब की, इतना लेट हो गया मेरा। तो आखिर में घर में कोई बड़ों का साया हो तो हम छोटों कभी कभी समझते नहीं है, बट घर में एक जन बड़ों का साया हमेशा होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, और मेरी सास रहती है तो मुझे बहुत हेल्प होता है सच्ची में। कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ रक्षित को छोड़ने, तो रक्षित को छोड़ के आएंगे उसके बाद हो गया, उसका पापा लेके गए थोड़ा बोल रहा थोड़ा घूमेगा तब जाएगा स्कूल, नाटक ही होता है छोटा बच्चा लोग का। तो चलिए मैं रक्षित को स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से। हम लोगों का आज का नाश्ता, चलिए नाश्ता कर लेते हैं करके, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और देखिए मैं रक्षित को लेके घर आ गई हूँ स्कूल से। क्या कर रहे हैं? फ्रूटी उसको खरीद दिया है, लीची वाला अच्छा नहीं लगता, वो बबल का टका रहते हैं और देखिए रक्षित मुझे पिलाएगा बोल रहे हैं। और लंच में मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं किया कि शॉर्ट कट क्लास का नहीं, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी मैं क्या बनाया, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो देखिए आज का लंच है हम लोग का ये चावल और सूखी मछली का सब्जी, पापड़, सलाद और इसमें है दाल। चलिए हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कपड़े सूख गए थे और कुछ कुछ कपड़े जो है भीजे थे, मतलब मेरा ननद का भी कपड़ा था यहाँ पे, वो बड़ी ननद मेरा कपड़ा सुखाया गई थी तो उनका भी कपड़ा था तो वो सब भीजा हुआ था, वो शाम को धोई थी, मतलब शाम को लंच टाइम में धोई थी तो सूख गया नहीं था, इसलिए मैं उनका कपड़ा सब छोड़ दिया। और मैं तो सुबह ही कपड़ा धोती हूँ तो इसलिए मेरा सूख गया था, तो मैं उठा के लेके सीधा घर में लेके आ गई और बाद में मैं ये सबको मिला के रख दूँगी। हर दिन मैं ऐसे ही करती हूँ। और देखिए इधर सब कपड़ा वगैरह सूख गया है, इधर भी कपड़ा है तो सब मैं मिलाऊंगी अभी थोड़ा देर में। और मैं देखिए मैं थोड़ा रेस्ट की, उसके बाद देखिए उठ के चली आई। और रक्षित अभी भी सो ही रहा है, रक्षित को भी बोलूंगी उठने के लिए। और मेरा ना आज अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों क्या हुआ है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मूड थोड़ा फ्रेश नहीं हो रहा है, तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसीलिए आज ब्लॉग्स भी मैं ज़्यादा नहीं बनाई, ब्लॉग्स भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ब्लॉग्स किया। और कुछ मन नहीं रहने से बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, बस वही अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए रक्षित को उठाती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद जब शाम को होगा थोड़ा, उसके बाद मैं कपड़ा सब मिलाऊँगी। अभी थोड़ा वीडियो एडिटिंग करना है तो सोचती हूँ अभी थोड़ा एडिट कर लूँ, चलिए एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। रक्षित थोड़ा बाहर भी जाएगा, उठेगा तो फिर तंग करेगा, तो चलिए देखती हूँ कब तक उठता है, तब तक मैं थोड़ा एडिट कर लेती हूँ। तो देखिए अब शाम हो चुकी है, अब रक्षित भी उठ चुका है, आप लोग देखिए ही रक्षित सोया था तो वो उठ भी चुका है, अब वो बाहर जाएगा गाड़ी लेके। तो चलिए मैं इसको घुमा के लेके आऊँ और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, चिल्ड्रन टेक केयर, रक्षित बाय बाय बोलो।